राम राम भैया। राम राम भैया, दवा छिड़के वाला मशीन है? हाँ भैया मशीन है, आप खरीदा जाए कि किराया पे लिया जाए? भैया नया कितने का है? बैटरी वाला हुए, आज के समय 3200 रुपए है मशीन। तो बहुत महंगा है, किराए पे अगर दे दो तो किराया दे दो। अरे भैया कोनो वीडर मशीनिया है जो धनो निरैया बड़ैया कही जात है? हाँ भैया है मशीनिया। भैया मशीनिया कितने का है? कोनो वीडर मशीनिया 1600 रुपए है। ठीक है भैया, तब एक मशीन दे दो हमें। भैया कोनो वीडर मशीनिया उठा जाए तो यही वाला है कोनो वीडर मशीन भैया देख लो। कौन मशीन है? कोनो मनोचवा लागत है हमें। भैया ये धान निराओ वाला मशीन है कि कोनो लड़के खेले वाला? ये मशीन धान के निराई और गुड़ाई करे वाली मशीन है। एक दिन में एक बीघा से एक आदमी ज्यादा ऐसे निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा भैया, ये मशीनिया हाथ लाग है का कि घसिया उखाड़ के फेंक? एक बीघा में 4-5 मजदूर लागत है तब खेत निराई जाते है, और आप कहते हो कि एक दिन में इसे पूर्ण हो जाए एक बीघा, ये बतिया कुछ हजम नहीं होता। न चलो हमें का खेतों दिखाओ, वैसे बढ़ गई ना मारो, हम देख ले तब भाई मनुभ। चलो भैया फिर खेतों हम कौन का निराई गुड़ाई कह के दिखाई दे। चलो भैया चलो चलो, चलो 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 देख ली। यही हमारे खेतवा है। हाँ। सिर्फ विधि से है रुपाई एक है। जब आज तो हमारे खेतवा यही मेरे के है, और हमारे खेतवा चलो देख लियो, डंडा गत एक एक पेड़वा खड़ा है। ये आज इतना कल्याण है तो कल ही कितना कल्लाई दिखत बा तो का ना कि धनवा में कितना घसिया भय बा दिखत बा कि ना भैया? हाँ भैया देखत तो है, घास बहुत है, बहुत घास हो चुका है सब में, देखत हो ना? अरे भैया ये है तोहर मशीनिया इतने घसिया के खेतवा में से काट दी। अरे अब देखो देखे अब मशीनिया कमाल तू। अरे नरेश भैया अरे धनवा खेतों हमारे देखा था ना, जो निसार आई विधि श्री विधि से हमें रोपाई किए है। हाँ। लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर बाय, पौधे से पौधे की दूरी भी 25 सेंटीमीटर बाय। नरेश भैया देखा था ना, ये दूसरी बार हम कोना बीडर चलावे जात है, और एक 15 दिन बाद तीसरा कोनो बीडर जब हम चलाए यको खर पतवार धनवा में देखबो न तू, सब सार गाल की एकदम नष्ट हो गई है। अच्छा एकदम खर पतवार नष्ट हो के खाद बन गई है। लेकिन नरेश भैया एक बात ध्यान रखियो, रोपाई के 15 दिन बाद 3 कोना बीडर चलाओ के भैया यको खर पतवार नजर नहीं आई है। एकदम सही बोलते भैया। भैया यहाँ पनिया बहुत कम देखा था, कैसे चली कोना बेटर? भैया खेतवा में जो पनिया देखा था ना, बस 1 होए चाहे, न पानी कम होए न ज्यादा होए चाहे, 1 होए चाहे। अच्छा खेत में पानी न कम होए चाहे न ज्यादा, अगर पानी कम होगा तो कोनो बीडर मशीन जोन हमारा है ये चले में ताकत ज्यादा ली है। अच्छा अरे नरेश भैया। हाँ। आओ हम तोरे सबका कोनो बीडर मशीन आज चला के दिखा दे। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बहुत बढ़िया मशीन चलावे से भैया खर पतवार एकदम नष्ट हो जाता है, और एक एक पौधा से 100 से लेके 200 कल्ले तक निकलते हैं भैया। अच्छा अच्छा भैया, भैया अगर तुम्हें अभिनो विश्वास न हो तो पूरा कल्लवा गिन लो, 35 से 40 कल्ला भैया अभिने हमें हुई है। अच्छा अच्छा भैया सही कहा तो भैया, अभी हम अपने आप गिनती की है महान 45 से 50 कल्ला तो आज है। गिन ली हो ना भैया? हाँ भैया के संतो देख लिया। हाँ बिल्कुल देख लिया ना, मैं बिल्कुल प्रमाणित होएगा जानो आज। राम गोपाल भैया ये बताओ, जब कल्ले ज्यादा है तो पैदावार जादा हुई है? हाँ हाँ हुई का है। कहो रामू चाचा। हाँ, भैया ये मशीनिया का है, कौन दवा लाइट डाल दी तो घसिया नहीं खत्म हो जाए? भैया कोनो बीडर चलावे के एक उद्देश्य और है, ऐसे मिट्टी पलट के जड़ पे चढ़ जाता है। अच्छा भैया दवा छिड़के से खेते के तो खर पतवार नष्ट हो जाता है, लेकिन जड़ के हवा नहीं मिल पावत है, इसके लिए कोनो बीडर मशीन से ही भैया खर पतवार नष्ट करे के चाहिए। ज्यादातर किसान का करत है धनवा के खेतिया से खर पतवार निकाल के फेंक देते हैं। हाँ भैया, और जिससे कंपोस्ट भी नहीं बन पावत है। हाँ भैया हाँ भैया, वो घसिया तो हम लोग निकाल के फेंक दिन जाते हैं। हाथ के निरावे से या हमें मजदूर बहुत लागत है। हाँ भैया ये तो लगवे करी। भैया मेहनत भी बहुत लग जाता है, और आप लोगों के मजदूरी भी बहुत लग जाता तो लगवे करी। भैया यह काम तो ज्यादा महिलाएं ही करती हैं, और ज्यादा मिल नहीं पावत। हाँ भैया ये तो मिलत तो नहीं है। एक बात बताई भैया,
ये वहाँ पनिया तो सही है बहुत कम है भैया। ये हम लोगन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो दिनों के दिन पानी बहुत कम हो चला जात बा। पौधे के ज्यादा पानी देवे से का फायदा जब कम में ही काम हो जात बा। हमार पनियो कम लागे पैदावारो ज्यादा हो गए, हमारे डीजल के बचत भी हो गए। कहावत तो सुने होबो ना, सांपो मर गए लाठियो नहीं टूटी। ला भैया चलिंग मशीनिया चला के देखी तो आसानी चलत है कि ताकत लागत है ज्यादा। लो भैया लो थोड़ा चला के देख लो। का हो भैया बढ़िया चलत है ओ? अरे ये तो बहुत बढ़िया चलत है, ये तो इतना आसान है कि मजदूर वजदूर के तनखो काम है नहीं। अच्छा भैया अरे बहुत टाक तो आका चलावे में तो बड़ा अच्छा लाग। हाँ। लेकिन एक बात का ध्यान और रखी हो, एका एक बार पूरब से पश्चिम चलाई हो, एक बार उत्तर से दक्षिण और आगे से पीछे की तरफ इसको चलाना है, जिससे एक चारों तरफ के भैया खरपतवार एकदम खूब अच्छे से नष्ट हो गई है। समझो चाचा? बहुत बढ़िया, सही कहा तो भैया, ये तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। भैया पूर्व से पछो तो देख ली हो, अभी उत्तर से दक्षिण जब चलाया तो देखो चारों तरफ के खरपतवार एकदम नष्ट हो के कितनी अच्छी लाइन क्लियर होगी भैया। अगर तोरे समझ में आई हो तो और लोग जो किसान भाई हमारे वीडियो देखा थे ना, थोड़ा उन्हों लोग के बताई दी है विधिया। अरे भैया काहे ना बताई भी विधि से सबसे पहला लाभ सुनो, कोनो बीडर मशीन से निराई करे में समय कम लागत। भैया कोनो बीडर मशीन चलावे से पौधन के विकास बहुत जल्दी होता है और मन कल्ला अधिक आवत है, और जब कल्ला अधिक कहीं है तो गल्लावा तो घर ज्यादा जावे करी। सही कहो भैया, सही कहो। भैया ये मशीनिया से घसिया कट के सड़ गल के खाद बन जाते। अरे भैया लाभ पे तो बहुत ज्यादा ध्यान दियो हो। भैया एक दिन ये मशीनिया हमहू दे दो, हमहू अपने धनवंग निराई कराई दी। अरे भैया ना, जब तू श्री विधि से धान के रोपाई करबो तबे ही मशीन हम तुहका दे पाई। कहा श्री विधि से जौन धान के रोपाई भैया वही में ही मशीन चल पाई। भैया भैया ये कोना बटर मशीनिया तो बहुत काम के है। किस तो हमहू अपने खेतवा में श्री विधि से धान लगवेबे, कम लागत में भैया ज्यादा उपज के नहीं चाहते। भैया अगर धान के पैदावार अधिक लेवत है तो कुछ विशेष बातों को ध्यान रखियो, या हमें कोनो समझौता नहीं होवे चाहिए। रोपाई के 15-15 दिन के अंतराल पे कोनो वीडर भैया 3 बार चले के चाहिए। कोनो वीडर मशीन चलाते समय भैया 1 इंच से ज्यादा पानी खेते में नहीं होवे चाहिए। ठीक भैया। और सरकार की तरफ से यहाँ पे भैया सब्सिडियो भी मिलत है। कोनो वीडर मशीन आप लोगन के चाहिए तो गांव में जो CRP दीदी हैं उनसे संपर्क कर लो, या ब्लॉक पे संपर्क कर लो, वहाँ सब बड़े आसानी से मिल जाई है। भैया आप हमारे आशाओं का सब जिंदा कर दियो, नहीं तो हमारे धान के खेती से निराश हो। भैया निराई करे में बहुत रुपया लग जाते हैं, हम लोग तो भैया फैसला कर लिए रहे कि धान के खेती अब करे न जाए। अच्छा भैया। भैया आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, हम सब मिलके आपका आभार प्रकट करे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे माटी का टीका लगाइला मितवा, आपसे माटी का टीका लगाइला मितवा, वतन के नसीबा जगाइला मितवा, वतन के नसीबा जगाइला मितवा, हम आपसे माटी का टीका लगाइला मितवा, वतन के नसीबा जगाइला मितवा, वतन के नसीबा जगाइला।